नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल से। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज पहुंचे हैं महामहिम हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। यहां पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ड्रग्स को लेकर। आपको बता दें कि नशा मुक्ति अभियान के तहत जो है इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। और इस कार्यक्रम में हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं फूल बुके देकर उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। हरियाणा में जो है अलग अलग जगह पर आज नशा मुक्ति को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण भी करनाल के ही जिला नागरिक अस्पताल में जो है उन्होंने किया है। इसके साथ साथ नशा मुक्ति केंद्र का लाभ ले रहे मरीजों से भी जो है उन्होंने बातचीत की है। आज जो है इस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है कि कैसे जो है नशा हर युवा हर व्यक्ति को जकड़ता जा रहा है और कैसे जो है घरों को जो है तबाह कर रहे, उनको लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके नशे के प्रति, कि नशा उनकी ज़िंदगी में किस तरीके का जहर जो है वो घोल रहा है और किस तरीके से उन्हें बर्बाद कर रहा है। आप देख सकते हैं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ साथ अपील रहेगी, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहे। अंतर्राष्ट्रीय जो है आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस जो है मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सभागार में ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। ऐसे में आप लोगों से अपील है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें। घरोंडा विधायक हरविंदर कल्याण आपको नजर आ जाएंगे, साथ में करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता, साथ साथ भाजपा जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा आपको नजर आ जाएंगे। तमाम लोगों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को रखा गया और बहुत सी महिलाओं को यहाँ पर बुलाया गया है, ताकि उनके घर में जो भी दिक्कत परेशानी होती है, जो नशा की वजह से जो है पैदा होती है, वो उनको समझ सके और उनका कहीं ना कहीं सोल्यूशन किया जा सके। और बहुत से लोगों को जो नशे के प्रति कोई मुहिम चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर खास तौर पर जो है बुलाया गया। आप देख सकते हैं कि हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में जो है स्टेज पर पहुंचते हुए नजर आ जाएंगे। ऐसे में जो है उनसे भी जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं इन चीज़ों को लेकर, और इसके साथ साथ वो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज स्टेट लेवल फंक्शन जो है आज करनाल में रखा गया है, जिसके अंदर अधिकारिता मंत्री जो है वो भी पहुंचे हुए हैं। ओम प्रकाश यादव विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं और इस एक बार जो है बातचीत करेंगे। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए तो कार्य किया जा रहा है। एक तरफ राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से इसको निवारण करने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो सकारात्मक रूप से चल रहा है, लेकिन ये समस्या जो है एक सामाजिक समस्या है। इसमें बहुत से जो हमारे NGO है और बहुत से रिलीजियस बॉडी हैं, ऐसे लोग भी जो है इन लोगों में परिवर्तन लाने का कोशिश करना चाहिए। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो भी इंडिया न्यूज सख्त से कानूनी उठाना चाहिए, जो भी ये मादक पदार्थ का व्यापार करता है उसको सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। और दूसरा हमारे पुलिस अधिकारी जो है कार्रवाई सख्त से सख्त करना चाहिए। और तीसरे जो है हमारे युवा पीढ़ी को बचाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में नशा जो है जीवन को ध्वस्त करती है, स्वास्थ्य को ध्वस्त करती है, और जिसकी राष्ट्र की या राज्य की युवा पीढ़ी अगर अस्वस्थ होती है तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, स्वस्थ देश ही आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत,
ऐसे जो अभियान हुआ है ये अभियान को भी आगे बढ़ाना चाहिए। वातावरण अच्छा रहना चाहिए, वातावरण अच्छा रहने से आदमी भी अच्छा बनता है, इसलिए वातावरण को अच्छा रखें और सरकारें जो है नशा मुक्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने जो केंद्रों को खुला दें और एक नया संस्था बनाकर नशा निवारण करने के लिए 1 करोड़ रुपया भी देकर उसको आगे बढ़ावाई है। इसके लिए मैं मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री और मंत्री जी को अभिनंदन करता हूँ।